पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है और इन दिनों यमुना नदी अपने उफान पर है और लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पानीपत में भी यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है और दो तटबंध जो है पानीपत के अंदर वो टूट चुके हैं और एक दर्जन से गाँव की जो है फसल वो जलमग्न हो चुकी है। पहले फसल जलमग्न हो चुकी थी लेकिन अब पानी गाँव की ओर घुसने लगा है। पहले तो खेतों की ओर पानी था, करीब 30,000 से ज़्यादा एकड़ फसल थी वो जो जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त हम गाँव झांबा के अंदर मौजूद है और गांव की एंट्री है जही इसी एरिया में जो है रिहायशी एरिया जो है अब यहाँ यहीं पर पानी ने जो है रुख कर लिया है और यहाँ पर जमकर पानी द्वारा तबाही मचाई जा रही है। अब घरों में पानी जो है घुसना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ये गांव का एंट्री गेट है और यहीं से पानी आना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे पानी जो है गाँव की ओर घुसने लगा है और धीरे धीरे अगर इस पानी को तटबंध को ठीक नहीं किया गया, पानी को नहीं रोका गया तो अगली सुबह तक गाँव के घरों के अंदर जो है पानी वो घुस सकता है और कहीं ना कहीं समस्याएँ यहाँ पर ग्रामीणों की जो है वो बढ़ने वाली है। अगर समय रहते इस पानी को नहीं रोका गया तो यहाँ के लोगों को जो है पलायन करना पड़ सकता है और कुछ लोग तो जिनके घर निचले जमीन पर है वो यहाँ से पलायन करना भी उन्होंने जो है शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि जो है रात बचाव कार्य वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं और पानीपत की स्थिति लगातार खराब हो रही है और स्थिति खराब होती को देखकर जो है आर्मी को भी यहाँ बुला लिया गया है, लेकिन पानीपत के दो तटबंध टूटे थे उनको अभी तक नहीं रोका गया है, जिसकी वजह से पानी लगातार गाँव की ओर घुस रहा है। अगर पानी ऐसे ही चलता रहा तो कल सुबह तक एक दर्जन से गांव के रिहायशी एरियो में पानी घुस जाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज 18। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बरसात हो रही है और इन दिनों यमुना नदी अपने उफान पर है और लगातार हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से पानीपत में भी यमुना नदी खतरे के निशान पर बह रही है और दो तटबंध जो है पानीपत के अंदर वो टूट चुके हैं और एक दर्जन से गाँव की जो है फसल वो जलमग्न हो चुकी है। पहले फसल जलमग्न हो चुकी थी लेकिन अब पानी गाँव की ओर घुसने लगा है। पहले तो खेतों की ओर पानी था, करीब 30,000 से ज़्यादा एकड़ फसल थी वो जो जलमग्न हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त हम गाँव झांबा के अंदर मौजूद है और गांव की एंट्री है जही इसी एरिया में जो है रिहायशी एरिया जो है अब यहाँ यहीं पर पानी ने जो है रुख कर लिया है और यहाँ पर जमकर पानी द्वारा तबाही मचाई जा रही है। अब घरों में पानी जो है घुसना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ये गांव का एंट्री गेट है और यहीं से पानी आना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे पानी जो है गाँव की ओर घुसने लगा है और धीरे धीरे अगर इस पानी को तटबंध को ठीक नहीं किया गया, पानी को नहीं रोका गया तो अगली सुबह तक गाँव के घरों के अंदर जो है पानी वो घुस सकता है और कहीं ना कहीं समस्याएँ यहाँ पर ग्रामीणों की जो है वो बढ़ने वाली है। अगर समय रहते इस पानी को नहीं रोका गया तो यहाँ के लोगों को जो है पलायन करना पड़ सकता है और कुछ लोग तो जिनके घर निचले जमीन पर है वो यहाँ से पलायन करना भी उन्होंने जो है शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि जो है रात बचाव कार्य वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं और पानीपत की स्थिति लगातार खराब हो रही है और स्थिति खराब होती को देखकर जो है आर्मी को भी यहाँ बुला लिया गया है, लेकिन पानीपत के दो तटबंध टूटे थे उनको अभी तक नहीं रोका गया है, जिसकी वजह से पानी लगातार गाँव की ओर घुस रहा है। अगर पानी ऐसे ही चलता रहा तो कल सुबह तक एक दर्जन से गाँव के रिहायशी एरियो में पानी घुस जाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज 18।